सब्सक्राइब करें आराधनास कुकिंग शो को और दबाएं बेल बटन मेरी बनाई गई रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आराधनास कुकिंग शो में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी। वैसे तो इस सब्जी को बनाना सभी को आता है, पर आज मैं आपको इसे बनाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका बताऊंगी। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 7 से 8 मध्यम आकार के आलू उबले हुए, 3 मध्यम आकार के टमाटर बारीक कटे हुए, 1 मध्यम आकार का प्याज लंबाई में कटा हुआ, नमक हमें चाहिए स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम आलूओं को हाथों की सहायता से फोड़ देंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो आलूओं को काट भी सकते हैं। इसके बाद हम एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे और जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाएगी हम उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गरम हो जाने पर हम उसमें जीरा डाल देंगे और जीरे को हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को हम हल्का सा पका लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे प्याज और प्याज को हम हल्का सुनहरा भूरा होने तक पका लेंगे। प्याज का रंग देखिए हल्का सा बदल गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और टमाटर को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। इन सारी चीजों को डालने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिला देंगे और टमाटर के गलने तक धीमी आंच पर मसाले को पका लेंगे। देखिए सभी मसाले पक गए हैं और टमाटर भी गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलूओं को डालने के बाद हम इसे हल्का सा भून लेंगे। हमारे आलू हल्के से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 300 मिलीलीटर पानी। आप पानी की मात्रा आपकी इच्छा अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। पानी डालने के बाद हम कढ़ाई को ढककर 10 से 15 मिनट सब्जी को पकाएंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें। पंद्रह मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी लगभग तैयार है। अब हम डालेंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चला देंगे और हमारी आलू टमाटर की सब्जी तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।